आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट विद वाटर फ्रॉम क्लास फिफ्थ EVS। इसके हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, आशा पुट ए पफर्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। कहते हैं कि आयशा ने क्या किया, एक पूरी जिसमें अच्छे से फूक चढ़ गई थी वो किस में डाली, पानी में, तो क्या करेगी वो, फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी, तो वो फ्लोट करेगी। यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट, वट वुड हैपन टू अ स्पून। तो इसका आंसर है, इफ़ द स्टील प्लेट इज पुट केयरफुली ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर इट वुड फ्लोट, हाउ आर द स्पून विल सिंक। कहते हैं अगर हम प्लेट डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा और अगर हम चमचा डालेंगे तो वो डूब जाएगा। वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बोटल कैप सिंक और फ्लो ऑन वाटर, तो इट विल फ्लोट। कहते हैं अगर आप कोई कैप डालोगे पानी में वो उसमें डूबेगा कि तैरेगा, तो वो उसमें फ्लोट करेगा। Have you seen that something float on water while of her sink? Think how this happen. कहते हैं कि आपने कुछ देखा है कि जो पानी में क्या करता है, float on water while of her, तो कभी उसको बोलते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको लगता है कि वो उसमें डूबनी चाहिए बट वो फ्लोट करे, ये कैसे होता है। येस आई थिंक दैट वैन वाटर डिस्प्लेसड बाय एनी थिंग इज़ ग्रेटर दैन इट्स वेट इट फ्लोट्स ऑन वाटर अदरवाइज इट सिंक्स। कहते हैं कि फाइंड आउट द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोट एंड विच सिंक इन द वाटर। ये टेक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको बाकी ग्रुप से पूछना है अपने क्लास मेंबर से कि क्या फ्लोट करता है और क्या सिंक करता है। तो फुटबॉल अ पीस ऑफ थर्माकोल फ्लोट ऑन वाटर वाइल अ क्रिकेट बॉल स्पून सिंक। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या लिखना है, वैसे ही जैसे कि ये फ्लोट करता है, इसका जो वेट है वो सब कुछ, तो वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही आपने पहले भी किया है। टेक सम वाटर इन अ ग्लास पुट लेमन इन इट नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन इट हाफ ए स्पून एट अ टाइम वेयर यू आर एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। कहते हैं कि आप एक गिलास पानी का लो, उसमें एक नींबू डालो और उसमें क्या करो ये साल्ट डालते जाओ। कहते हैं कि हाफ ए स्पून एट अ टाइम, कहते हैं आधा आधा चमचा एक टाइम पर डालते जाओ, तो कहते हैं कि वो नींबू फ्लोट करेगा वाटर पे, तो इसका आंसर है यस। व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन साल्टी वाटर बिकॉज, कहते हैं साल्टी वाटर में लेमन क्यों फ्लोट करता है। कहते हैं बिकॉज आफ्टर एडिंग साल्ट वाटर बिकम्स थिकर। तो कहते हैं कि कभी आपने बोला सी में भी, इस चैप्टर में हमने पढ़ा जहाँ पे सी में होता है, ओशंस में होता है, साल्टी वाटर होता है, तो वहाँ पे चीज़ें फ्लोट करती है, सिंक नहीं करती।